नमस्कार। अभी मैं विश्व भारती के ऑफिशियल चैनल से नागार्जुन द्वारा रचित फसल कविता पर प्रकाश डाल रहा हूँ। इसके पहले मैं दंतुरित मुस्कान पर प्रकाश डाला हूँ। हाँ, तो फसल कविता को देखें और क्लास टेंथ के बच्चे इसको समझेंगे। आगे मैं क्वेश्चन पर भी हिंट करूंगा और इसको फेयर करते जाएंगे, क्योंकि पुनः ये क्लास में अब नहीं चल सकता है। ध्यान दें, कविता की पंक्ति को देखें। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं। कवि ने स्पष्ट किया है कि लहलहाती फसल को पैदा करने में प्रकृति और मनुष्य दोनों का ही पारस्परिक सहयोग होता है। इसलिए वह कहता है कि फसल को पैदा करने में केवल एक दो नदियां ही नहीं, अपितु अनेक नदियां अपना जल देकर उसकी सिंचाई करती है। अर्थात ये जो खेतों में फसलें फल फूल रही है, इनमें एक नहीं, दो नहीं, अनेक नदियों का पानी समाया हुआ है। कहने का मतलब, जो भी फसल आप देखते हैं, उस फसल को फसल नाम से जानने में या फसल कहलाने में अनेक नदियों के जल का सहयोग है, अनेक खेतों की मिट्टियों का सहयोग है, तब वह फसल के रूप में दिखता है। लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक को नहीं, दो को नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। लाख लाख कोटि कोटि, लाख लाख मतलब लाखों लाख, कोटि मीन कोटि कोटि, करोड़ों करोड़ हाथों के स्पर्श की गरिमा। गरिमा मीन्स गौरव, महत्व। फसल फसल के सहयोग में कहने का मतलब, लाखों करोड़ों किसानों और मजदूरों के हाथ का संपर्क है। हाथों द्वारा किया गया श्रम है। एक को नहीं, दो को नहीं, इसमें एक किसी का नाम नहीं आता, दो का नाम नहीं आता, हजार हजार खेतों की मिट्टी, हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। गुणधर्म मीन्स स्वभाव। तरह तरह की मिट्टियां होती हैं, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई, चिकनी, धूसर, सब तरह के मिट्टियों का फसल के निर्माण में सहयोग होता है। फसल को तैयार करने में, फसल को पैदा करने में एक का नहीं, दो का नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों मनुष्यों के हाथों का स्पर्श मिलता है या मनुष्यों का परिश्रम मिलता है। हजारों हजार खेतों की
मिट्टी का गुण धर्म मिलता है, तब हम फसल नाम को जानते हैं, तब फसल का निर्माण होता है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। कवि क्या है? कविता की पंक्ति को देखें। फसल क्या है? कवि कहता है कि फसल क्या है, फसल किसे कहते हैं? और तो कुछ नहीं है, वह कहते हैं कि जितना मैं बताया उससे अधिक वह कुछ नहीं है। नदियों के पानी का जादू है, वह नदियों के पानी में मानो एक तरह का जादू हो जिससे फसल तैयार हो जाता हो। हाथों के स्पर्श की महिमा है, अनेक किसानों मजदूरों के हाथों के स्पर्श की अहम भूमिका है। सटीक अर्थ देखें। कवि प्रश्न करता फसल क्या है, वे स्वयं उत्तर देता है कि फसल का स्वयं कुछ अस्तित्व नहीं है, वह नदियों द्वारा दिए गए उस पानी का जादू है जिससे फसल की सिंचाई हुई थी। वह तो लाखों करोड़ों मनुष्यों द्वारा किए गए परिश्रम की महिमा का फल है। आगे की पंक्ति देखें। भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। फसल क्या है? तो भूरी काली संदली ये मिट्टी के प्रकार हैं। इनके स्वभावों का ये कमाल है, रूपांतर है जिसके रूप बदलते रहते हैं सूरज की किरणों का। सूरज के किरणों के बदलते रूप का ये कमाल है। सिमटा हुआ संकोच है हवा के थिरकन का, और ये हवा का कमाल है जिनके द्वारा ये फसलें लहलहाती है। सटीक अर्थ देखें। वह तो भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। कौन? वह किसके लिए आया है? फसल के लिए। फसल तो भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है जिसमें फसल को बोया गया था। वह तो सूरज के किरणों का बदला हुआ रूप है जिसके द्वारा फसल को रोशनी मिली। साथ ही इसमें हवा का भी समान सहयोग है। इस प्रकार इन सबके सहयोग से ही खेतों में लहलहाती फसल खड़ी होती है। धन्यवाद।